होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन से देश चला गया। ये गाने आप सब ने सुने हैं और आज भी ये गाने जो हैं बहुत सारे लोगों के फेवरेट गाने होंगे। इस गाने में जो मखमली आवाज़ है, उस आवाज़ के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ है, एक ऐसा दर्द जो शायद चीख चीख के कहना चाहता है कि ज़िंदगी आसान नहीं है, जितना आगे बढ़ रहा हूँ ज़िंदगी उतना ही पीछे खींचती जा रही है, दुख का समंदर है और तन्हाई ख़त्म नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं गायक और कंपोज़र जगजीत सिंह जी की। जगजीत सिंह इतने शानदार गायक रहे कि उनकी आवाज़ में जितने भी गाने गाए गए वो सारे लोगों को बहुत पसंद आए, और आज भी जब भी कुछ रूमानी सा सुनने का मन करता है तो लोग ऐसे गाने जो हैं वो ज़रूर लगा लेते हैं अपने रेडियो पे, फ़ोन पे या जिस भी माध्यम से सुनना चाहें। कहने का मतलब ये है कि जगजीत सिंह जितने सुर के साथ गाते थे उतना ही उनका दिल बुझा रहता था। ये गाने इतने खूबसूरत शायद इसलिए बन पाए कि इन गानों में जो दर्द था वो उनकी असल ज़िंदगी में मिले दर्द का रूप था। वो अपनी असल ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ों से, इतने दर्द से गुज़र रहे थे कि वो दर्द उनकी आवाज़ में शामिल हो गया था, उनकी आवाज़ का हिस्सा बन गया था। 8 अक्टूबर 1941 को जगजीत सिंह का जन्म हुआ था श्री गंगानगर में। जगजीत सिंह के पिता चाहते तो थे कि ये प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन बचपन से ही जगजीत सिंह का जो रुझान था वो संगीत की तरफ बहुत था, लिहाजा उन्होंने बचपन से उनको सुर ताल की समझ आ गई थी और वक्त के साथ साथ उन्होंने संगीत के क्षेत्र में ही काफ़ी जो है चीज़ें सीखी, ठुमरी, ध्रुपद, ये सारे जो चीज़ें होती हैं उन्होंने संगीत की वो सारी सीखी उन्होंने। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब वो पढ़ाई करने के लिए आए तब भी संगीत का उन पर बहुत असर रहा। जगजीत सिंह को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ही उनके प्रोफेसर ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्हें कहा कि फिल्मों में अपना नाम बनाओ। प्रोफेसर को लग रहा था कि जगजीत सिंह इतनी अच्छा आवाज़ है, इतना अच्छा गाते हैं, तो इन्हें जाते ही जो है वो एक अच्छा मुकाम मिल जाएगा और काम मिल जाएगा। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब लेती है तो बहुत चीज़ें जो हैं आपकी छूट जाती हैं। ज़िंदगी को परीक्षा लेनी थी जगजीत सिंह की, और ये परीक्षा जगजीत सिंह जब मुंबई आ गए तब तक जारी रहा। संघर्ष उन्हें झेलना पड़ा, पेइंग गेस्ट के तौर पर उन्हें रहना पड़ा और अपनी रोजी रोटी, क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है और यहाँ रहने के लिए आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, लिहाजा उन्हें जिंगल्स तक लिखने पड़े। छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह में जो है वो गायकी कर लिया करते थे और इससे उनका गुजारा चल रहा था। फिर उनकी मुलाकात एक गुजराती परिवार से हुई और उस परिवार के साथ चित्रा का परिवार भी रहता था। चित्रा गायिका रह चुकी हैं और जगजीत सिंह की पत्नी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, हालांकि वो किसी दूसरे के नाम की मोहताज नहीं है। चित्रा पहले से शादीशुदा थी, एक बेटी की माँ थी और उनके पति को संगीत का बहुत शौक था, तो उन्होंने जो है अपने घर पे ही एक स्टूडियो तैयार कर रखा था। जब गुजराती परिवार जगजीत सिंह की बड़ी तारीफ करते थे, उनकी गायकी की तारीफ होती थी, तो चित्रा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि चित्रा को जगजीत सिंह की आवाज़ पसंद नहीं थी। चित्रा अक्सर देखती थी जगजीत सिंह को
अपने पड़ोसियों के घर जाते हुए। और एक बार चित्रा के घर जगजीत सिंह आए थे, जिंगल्स की रिकॉर्डिंग करनी थी। जगजीत सिंह ने उन्हें अपने साथ जिंगल्स की रिकॉर्डिंग के लिए मनाने की कोशिश की, पर चित्रा ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में जगजीत सिंह का स्वाभिमान जो है वो उसको ठेस पहुंच गई। जगजीत सिंह ने भी पलट के कह दिया कि मैं भी तुम्हारे साथ कोई जिंगल्स गाने के मूड में नहीं हूँ। यही स्वाभिमान चित्रा को पसंद आ गया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और जगजीत सिंह को उनके पहले पति से परमिशन लेनी पड़ी शादी के लिए। और उसके बाद उन्होंने चित्रा को अपनी जिंदगी में शामिल किया। अच्छा चल रहा था सब कुछ। जगजीत सिंह दूसरी तरफ बॉलीवुड में भी नाम कमा रहे थे, एक से बढ़कर एक गाने गाए जा रहे थे, म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था। वो एक ऐसे भारतीय पहले गायक बन गए थे जिन्होंने अपना एल्बम जो है वो लॉन्च किया था। कुल मिलाकर जगजीत सिंह का जीवन ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद परीक्षा खत्म हो गई है, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। साल 1990, जगजीत सिंह के 19 साल के बेटे का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उस रोड एक्सीडेंट में जगजीत सिंह के बेटे की मौत हो जाती है और ये सदमा जगजीत सिंह और चित्रा के लिए असहनीय था। अपने बेटे की मौत के बाद चित्रा और जगजीत सिंह ने स्टेज पर ना गाने की कसम खा ली। हालांकि बाद में जगजीत सिंह जो हैं उन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी। चिट्ठी ना कोई संदेश, इस गाने ने सबका दिल जीत लिया। इस गाने के पीछे का दर्द जो था वो जगजीत सिंह के बेटे को खोने का दर्द था। इस गाने ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला के रख दिया था। ये गाना अब भी जब बजता है तो हर शख्स इमोशनल हो जाता है। चित्रा ने भी बहुत सालों के बाद जो है स्टेज पर परफॉर्मेंस दी, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि एक बड़े सिंगर रहे जगजीत सिंह को अपने बेटे का शव लेने के लिए रिश्वत तक देनी पड़ी थी। खैर, जगजीत सिंह अपनी ज़िंदगी को ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तकलीफ़ जो है बेटे के चले जाने का तकलीफ वो ज़िंदगी भर उनको और उनकी पत्नी चित्रा को सालता रहा। 2003 में जगजीत सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। और 10 अक्टूबर, अगर मैं साल सही बोल रही हूँ तो 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और इसके साथ ही जगजीत सिंह की यादें सबके दिलों में बस गई। भले ही वो नहीं है, लेकिन उनके गाने आज भी हम सब के बीच जगजीत सिंह को जिंदा रखे हुए है। नमन है ऐसी शख्सियत को जिन्होंने ताउम्र संघर्ष किया, दुखों का पहाड़ टूटता रहा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने दर्शकों को और अपने चाहने वालों के लिए कुछ ऐसी यादें छोड़ दी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती।